वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के आंसर की के बारे में लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो लागू होगा या नहीं होगा, और उसके साथ साथ रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर की जो सीटेट द्वारा जारी किया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन जो था, कई सेट्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए थे, तो उसको कई बच्चों ने चैलेंज किया है, तो उसको सीटेट ने एक्सेप्ट किया है। कई क्वेश्चन जो गलत थे उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ दूसरा जो अपडेट है ये है कि सीटेट पहले ये मानने को तैयार नहीं था कि क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है, लेकिन अब उसने मान लिया है कि हाँ मिसप्रिंट है। ठीक है, और मिसप्रिंट जो हुआ क्वेश्चन में वो दो तरह से हुआ था। क्या हुआ था? तो पहला मिसप्रिंट था कि कुछ जो ग्रामर से क्वेश्चंस थे इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, तो उसके नीचे अंडरलाइन जो रहता है और क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है कि ये अंडरलाइन जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। जैसा कि आप लोग एग्जाम खुद अटेम्प्ट किए तो आपको पता ही होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन में अंडरलाइन कई क्वेश्चन में नहीं था, तो उसको सीटेट मानने को तैयार नहीं थी गलती को। लेकिन अब जो है सो जो सीटेट का एग्जाम कराने वाली संस्था है उसने इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ जो कई क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया गया था अदर लैंग्वेजेस में, तो उस गलती को भी मानने को तैयार नहीं था, उसको भी उसने मान लिया है। तो ये तीन बातें मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस गलत उसके आंसर किए गए थे है ना कई सेट्स के, तो उसको जो है सीटेट ने मान लिया है। और जो जो गलत था, अब सब पे अगर कोई चैलेंज कर दे तो वो अलग बात है ना, तो जो गलत था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा बात यह है कि मिसप्रिंट जो था अंडरलाइन वाला या फिर ट्रांसलेशन वाला, तो उसको जो है संस्था एक्सेप्ट कर ली है। तो अब क्या होगा? अब जो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, तो अब आपका नंबर जो है सो उसमें सही आंसर करके अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अंडरलाइन वाला जो मैं बता रहा हूँ बार बार मिसप्रिंट जो हुआ था, तो उसमें जो है आपको नंबर मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो अंडरलाइन वाला जो भी क्वेश्चन का अगर आप गलत जवाब दिए होंगे तो वो गलत नहीं काउंट होगा। अब आपको उसमें एक नंबर, जितना भी क्वेश्चन था उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ट्रांसलेशन वाले जो ट्रांसलेशन वाला जो मिस्टेक है उसमें नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन गलत था ये जो है संस्था मान चुकी है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो नोटिस था सीटेट ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही दे दिया था, और ऑफिशियली उसका नोटिस आया था, उसमें कहा गया था कि अलग अलग दिन जो एग्जाम होना है अलग अलग सेट में एग्जाम होगा, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आगे हो या पीछे हो जाए, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है सो इसमें लागू होगा। ठीक है, लेकिन अब जो है सो जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा चांस इसी का है, क्योंकि लगभग सबका जो डिफिकल्टी लेवल था सारे सेट का वो एक जैसा ही था, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लागू होने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया, ठीक है, मार्क्स में, तो क्या होगा? नंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कितना इंक्रीज करेगा? तो 3 से 4 नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा तो 5 नंबर आपका इंक्रीज कर जाएगा, या फिर 4 से 5 नंबर डिक्रीज कर जाएगा। उससे ज्यादा ना ही तो इंक्रीज करने वाला है और ना ही डिक्रीज करने वाला है, अगर ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू किया गया तो। और आखिर में बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो सीटेट ने जो अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था उसमें 15 फरवरी टेंटेटिव शेड्यूल दिया था रिजल्ट अनाउंस करने का, लेकिन आपको पता है जैसा कि सब कुछ अब जल्दी जल्दी हुआ था, तो 2 तारीख को ही आंसर की आ गया था। और आंसर की आने के बाद जनरली क्या होता था, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो आंसर की जारी हुए लगभग 9-10 दिन हो गया है। तो इसीलिए जो है इसका रिजल्ट टाइम पे आने का पूरा संभावना है, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट जो है या तो 14 फरवरी को आ जाएगा, वो भी 2 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा, 14 फरवरी 2 बजे के बाद, दिन में 2 बजे के बाद, या फिर 15 फरवरी को रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। लेकिन ये जिसका जो चांस है 15 फरवरी को आने का, तो
95% चांस यही है कि 15 फरवरी को 2 बजे के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर लेट हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सेट में एग्जाम हुआ है ना, बहुत सारा सेट था और उसके बाद ये आंसर की का सारा मसला फंसा हुआ है, तो इसके वजह से हो सकता है थोड़ा लेट हो। लेकिन 18 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा, एकदम लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कि 18 तारीख तक ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसमें से 90% जो है अप्रॉक्स सही होने वाला है। थोड़ा सा जो है 10% बात आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 90% बात एकदम सही होने वाला है, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है वो ऑथेंटिक सोर्स के जरिए किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।